हेलो गाइज, मैं सूर्यवंशी चौहान और आप देख रहे हैं सूर्य एजुकेशनल हेडविस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में, जो यूपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था फॉर्म अप्लाई के लिए, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस किस पद के लिए अप्लाई के लिए यूपीएससी के द्वारा फॉर्म अप्लाई के लिए आवेदन मांगा गया है और कब तक इसका लास्ट डेट है और कब इसका एग्ज़ाम होगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और साथ ही इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिले। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम बताते हैं कि आप लोगों का जो यूपीएससी के द्वारा जो जारी नोटिफिकेशन जारी किया गया था आवेदन के लिए, कुछ पद खाली थे जिसके आवेदन के लिए आवेदन मांगे थे, तो उसका जो आवेदन डेट है लास्ट डेट कब तक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ देखिए इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन, इसका जो ऑनलाइन अप्लाई डेट ऑनलाइन लास्ट डेट है आप लोग 27/4/21 यानी 27/4/21 तक आप लोग कल यानी परसों तक आप लोग जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग नीचे देखिए इंजीनियरिंग सर्विस, इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों को जो डेट दिया गया 27/4 इसमें भी दिया गया है, इसमें जो लास्ट डेट दिया गया है 5/5/2021 दिया गया है उस। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, तो इसको अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सबसे सिंपली तो ये देखिए कि जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ये जो एग्जामिनेशन है 3 डेज का है, और उसके बाद फिर जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन 1 डे का है, और सेंट्रल यानी CAPEF इसका जो एग्जामिनेशन है 1 डे का है। तो चलिए आप लोग अगर अप्लाई करना रहेगा तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं आप लोगों को इसमें से किसी पर भी अप्लाई करना रहेगा तो आप लोगों को सभी में ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हेयर का, आप लोग किसी में भी क्लिक हेयर कर दीजिएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर क्लिक हेयर पर कर दिया, उसके बाद देखिए आप लोग सामने इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया कि आवेदन के लिए परीक्षा का चयन करें, यहाँ जो जो आवेदन का डेट बच रहा है उस आवेदन का यहाँ पर जो लिंक दिया गया है, और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी चीज़ दिया गया है आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही देखिए दिया गया है कि आप लोगों का जो आवेदन है वो भी क्लोजिंग डेट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्लोजिंग डेट दिया गया, यहाँ पर क्लोजिंग डेट दिया गया, यहाँ पर क्लोजिंग डेट दिया गया, तो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग अगर CPF में अप्लाई करना है यानी सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्स में अप्लाई करना है तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है उसको, या फिर ISS के में अप्लाई करना है तो इसमें जाना है यानी कि इंडियन स्टैटिक सर्विस एग्जामिनेशन। अगर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस यानी IAS में अप्लाई करना है तो आपको यहाँ क्लिक करना है, अगर इंजीनियरिंग सर्विस में अप्लाई करना है तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। तो क्या करना है, तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सब पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं यहाँ क्लिक कर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक, जैसे कि हम CAPEF को पर क्लिक किए तो CAPEF खुल गया। यहाँ पर देखिए पूरा इंट्रोडक्शन दिया रहेगा आप लोगों को, कब तक इसका जो फीस पेमेंट करना है, कब तक आप लोगों का लास्ट डेट है, कितना आप लोगों का फोटो साइज लग रहा है, ये सभी जानकारी आप लोगों को यहाँ दी जाएगा। साथ ही ये भी जानकारी दी जाएगी कि एक बार आप लोग सबमिट कर दिए फॉर्म तो आप लोग खुद सुधार का जो मौका है उसे नहीं दिया जाएगा। उसके बाद डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, किस चीज़ से पेमेंट कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में इसमें दिया गया, यहाँ पर दिया गया है, ये सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यस या नो का बटन आता है, यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोगों का जो डेट है वही बच रहा है, अभी चारों एप्लीकेशन का जो डेट है अभी बच रहा है, तो आप लोग जो भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग जल्द से जल्द जाकर अप्लाई कर लीजिए, आप लोगों का लास्ट डेट है जो भी बच रहा है, तो आप लोग जाकर इनमें से किसी में इंटरेस्टेड है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को के लिए एक नया एक अलग तरह का वीडियो यहाँ पर लाए, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा एक चैनल है जिसमें वो जो चैनल है वो ब्लॉग चैनल है, और उसमें जो फर्स्ट ब्लॉगिंग वीडियो है उसे अपलोड कर दिया गया, तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और साथ ही इस
वेबसाइट का ही लिंक मिल जाएगा जहाँ डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर यूपीएससी के वेबसाइट पर आ सकते हैं। और साथ ही मेरा दूसरा चैनल का भी लिंक नीचे मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर आप हमारा वीडियो हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।